अम्बाला कैंट के कच्चा बाजार में बीती रात एक भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस अब इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि आरोपी ने खुद जाकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। बहन को मौत की घाट उतारने से पहले उसके भाई यानी कि आरोपी ने एक वीडियो भी अपने फेसबुक अकाउंट से डाला। जय राम जी की भाई, सभी भाइयों को राम राम, सभी अम्बाला वासियों को, बहनों को मेरा शरशत प्रणाम। बहनों और भाइयों और माताओं, जो आज यह हादसा हुआ है हमारे साथ, इस हादसे के लिए हम मजबूर हो गए थे। वो ऐसा हुआ कि जिस लड़के से हमारी बहन की शादी ब्याई गई थी मेरठ के अंदर, वो भी झूठ बोलकर मंगलीक थी, झूठ बोलकर शादी कराई गई थी। लड़का भी मंगलीक था, 9 दिन में उसकी माँ और बाप ने शादी करा दी थी, ठीक है जी। तो शादी .com से हमारा ये रिश्ता हुआ था, और उसके बाद शादी के 1 महीने बाद ही हमारी बहन को ये लड़का मेरठ रात के 10:30-11 बजे के करीब अकेला छोड़ के आ गया था। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि हमारी बहन तो आज ही मरेगी है, पर हमने अपनी माँ को कहा था कि रिश्ता तोड़ दो, और हमारी मम्मी और पापा यही कहते रहे, हम सारे घर के यही कहते रहे कि नहीं, घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है, ठीक है जी। इनको कभी 30,000 दो, कभी 45,000 दो, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए भी जो भेज रहे थे हम 20-50 हम भेजते थे, 1 रुपया देकर राजी नहीं थे ये, ठीक है। चलो वो तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, जब शादी के 1 महीने बाद रात को 11 बजे मुसलमानों के पास छोड़ आया था, मेरी बहन लिफ्ट लेकर इनके घर पहुंची थी, अगर उस रात वो मर जाती है, कुछ हो जाता, तो मैंने इनसे ये बात कही थी, तो ये कह रहे चलो गलती होगी, कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये गलती नहीं थी, यही गुनाह था तुम्हारा, जो आज ये बात हो गई यहाँ तक। उस दिन किसी और के हाथों से मारी जाती, लेकिन आज अपनों के हाथों मारी गई है वो, कोई बात नहीं। और दूसरी वजह, अम्बाले का ओंकार बिल्डर ओंकार सिंह, जो अम्बाला की आवाज़ कहता है, आज से लगभग 10 दिन पहले हमारी गली में आया था कि साफ सफाई वास्ते। ये नेता हैं, ये गंदे नेता हैं साले, इनकी बस पूछो मत क्या आंसू रोने पड़ रहे हैं, क्या दिन देखना पड़ रहा है ये हमारे को, जो आज हमारे को अपनी बहन के ऊपर 30 चक्कू से वार करना पड़ गया। कोई बात नहीं, कल हमारी बहन के बयान हो रहे थे, इस बंदे ने ओंकार सिंह ने हमारी बहन को फ़ोन कर रखे थे, ठीक है। और इसके देखो नाती पोतेला बंदा और हमारी बहन का, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ रात को, पता तो हमारे को परसों ही का था, 7:48 इसकी कॉल आई हुई है मेरी बहन के फ़ोन पे, ठीक है। मैंने फ़ोन चेक कर लिया था कल ही। कोई बात नहीं, ये गंदा इंसान है, ऐसे इंसान को बस वक्त ही जवाब देगा जी, और हम कुछ अब कर नहीं सकते, इस समय वक्त आने पर जवाब जरूर देंगे इनको। कोई बात नहीं, आज इसकी वजह से और अंकुर की वजह से, मेरे ठाकुर वजह से शुरुआत मेरे ठालों से हुई है, और अंत में ये फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे। कोई बात नहीं, आज हमारे घर की मरी है, लगेगा तो पता तुम्हारे को आने वाले समय पे क्या होएगा, ठीक है जी। मैं अपने माँ बाप से एक ही बात कहता हूँ, मुझे माफ़ करना, और अपनी बहन से भी, हे बहन मुझे माफ़ करियो, अपने भाई से भी, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे से जो हुआ है वो मजबूरी थी एक। पुलिस के मुताबिक करण उर्फ कालू ने सोमवार देर शाम अपनी बहन भावना के साथ झगड़ा किया और तैश में आई करण ने चाकुओं से हमला कर दिया। करण ने अपनी बहन के प्राइवेट पार्ट समेत पूरे शरीर पर 30 से अधिक वार किए। मृतका की पहचान भावना 27 वर्षीय के रूप में हुई है। अम्बाला कैंट थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि कच्चा बाजार में भाई ने बहन को चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया। मौत के क्या कारण रहे हैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पुलिस डॉक्टर के पैनल द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराएगी। युवक के सोशल मीडिया पर लाइव आकर कथ्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने के सवाल पर SHO ने कहा कि ये सिर्फ खुद को सोशल मीडिया पर चमकाने के लिए था, आरोपी का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। ये आरोपी है, इसने रात अपनी बहन का मर्डर किया, भाई ने इसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज है। हमें सूचना मिली थी कि जो इस हत्या का वांछित अभियुक्त है वो साइड में घूम रहा है, तो हमने इसको वहाँ से हिरासत में ले लिया। सर, अपने बहन की हत्या के क्या कुछ कारण इसने बताए हैं? देखिए, 1-2 कारण इसने बताए हैं, उन कारणों पे हम जांच करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसने 1-2 लोगों के नाम भी लिए हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मदद मांगी है, इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, प्रारंभिक जो पूछताछ है, प्रारंभिक से ये उस ग्रुप का नाम अपने आप को सोशल मीडिया पे चमकाने की नीयत से ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये कोई इतने बड़े अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ। इसके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज? इसके खिलाफ मामले दर्ज है।
सर इसने अम्बाला छावनी के एक दो लोगों के नाम लिए हैं कि वो इसकी बहन को फोन करते थे, क्या कुछ मामला है, कोई जांच में आया? हाँ, जांच में आया है, उस बिंदु पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करेंगे।